संभल लोकसभा से बीएसपी प्रत्याशी सौलत अली ने कराया नामांकन। संभल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नामांकन प्रक्रिया को पूर्ण किया। नामांकन करने के दौरान बीएसपी के संभल जिलाध्यक्ष एडवोकेट जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। इस दौरान बीएसपी प्रत्याशी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम विकास और आपसी सौहार्द के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। संभल से बीएसपी को जीत मिलने वाली है और अच्छे वोटों से जीत हासिल होगी। इंडिया गठबंधन सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने कहा था कि बीएसपी प्रत्याशी चौथे नंबर पर आएगा। उनके सवाल पर सौलत अली ने कहा कि उनसे उनका नंबर पूछिए तथा बीजेपी के 400 पार के नारे को अपने मियां मिट्ठू बनने वाली बात है। इस समय घबराई हुई है बीजेपी और बीजेपी के नेता, मुझे तो लगता है 400 क्या 200 भी नहीं ला पाएगी और मुझे तो लगता है कि बीजेपी 400 क्या 200 भी नहीं ला पाएगी। लेकर आप चुनाव में उतरे हुए विकास, सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी एकता। अच्छा, जैसा कि अभी आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा है कि हम पश्चिम यूपी एक अलग बनाएंगे प्रदेश जी, तो उसको लेकर के जो बीजेपी के मंत्री हैं, होमगार्ड मंत्री, उन्होंने आरोप लगाया कि बसपा का तो खाता ही नहीं खुलेगा, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो ना वो जानते हैं ना हम जानते हैं कि खाता किसका खुलेगा और किसका नहीं खुलेगा। अभी कुछ चैलेंज करना या कुछ कहना इसके बारे में मुनासिब तो होगा नहीं। और रही राजनीतिक बयानबाजी की, भाई कोई कुछ भी कह सकता है, सब आजाद है। उन्होंने कह दिया कि खाता नहीं खुलेगा, ठीक है। तो आप स्वीकार करते हैं कि खाता नहीं खुलेगा? 4 जून को ये रिजल्ट पता लग जाएगा बीजेपी के 400 पार के नारे को कैसे देख रहे हैं। हम तो मान के चल रहे हैं कि बीजेपी के 400 पार के नारे को कैसे देख रहे हैं। बीएसपी कितनी सीटें आने वाली? देखिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है ये बीजेपी की। 400 सीटें आ रही है या 400 पार आ रही है कोई नहीं इसको कह सकता है। जो हालात है प्रदेश में और जिस तरह के घबराई हुई है बीजेपी और बीजेपी के नेता, मुझे तो लग रहा है कि 200 सीटों तक भी नहीं पहुंचेंगे। बीएसपी कितनी आ रही है सीटें? बीएसपी की अच्छी सीटें आएंगी, संख्या तो बताना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन और सबसे बेहतर आएंगी। बीजेपी के बाद अगर होगी तो बीएसपी ही होगी। अच्छा, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? आपको लग रहा है आप जीत रहे हैं? ये मैं कैसे कह सकता हूँ किसकी सरकार बनेगी, ये तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप सक्रिय कम दिख रहे हैं। अब इस आरोप का मेरे पास क्या जवाब है, मैं कोई कमेंटिंग करना चाहता हूं। जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लोकसभा का क्षेत्र 5 विधानसभा क्षेत्रों को मिलता है, मिला के बनता है। संभल हो सकता है मैं लेट आया हूं या बैजोई में लेट पहुंचा हूं, हो सकता है मैं दूसरे क्षेत्रों में लगा हूं, कुदरकी बिलारी बैजोई को कर रहा हूं, तो एक दिन में सारे क्षेत्रों में प्रत्याशी नहीं पहुँच सकता। अब आप कोई भी कह सकता है। क्या मानते हैं आप अपनी जीत के लिए, किस तरह से आप? हम चुनाव जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जियाबर, ये कह रहे हैं कि आप चौथे नंबर पर आएंगे। उनके कहने से थोड़ी आऊंगा मैं चौथे नंबर, वो अपने तो आप कहीं नहीं लड़ रही। उनसे उनका नंबर पूछिए पहले आप कि आपका नंबर क्या है। मैं उनसे नंबर आपके माध्यम से अब नंबर पूछना चाह रहा हूँ कि उनका नंबर क्या है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।